नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणि। विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान। मन की शक्तियां एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो। सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों को उद्धार करना चाहें तो हमें और भी भीतर प्रवेश करना होगा। संसार के सभी महापुरुष, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है? उन्होंने एक जन्म में ही समय को कम करके उन सब अवस्थाओं का भोग कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए एक निमिष मात्र भी समय नहीं देते, उनका पल भर भी व्यस्त नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का यही अर्थ है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। यह एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ करेंगे, कारण यही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मोची यदि जरा अधिक मन लगाकर काम करे तो वह जूतों को अधिक अच्छी तरह से पॉलिश कर सकेगा। रसोईया एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह से पका सकेगा। अर्थ का उपार्जन हो चाहे भगवत आराधना हो, जिस काम में जितनी एकाग्रता होगी वह कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर प्रकाश बाढ़ रूप में बाहर आता है। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किसी तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हो गए हैं। यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञान हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर आती है। बस यही रहस्य है। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियां हम लोगों के हाथ में हैं उनको वश में करना हमें सीखना है, और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। मुक्त हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते, और अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने को मुक्त कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर खसीटता रहेगा, हमें चीर डालेगा, हमें मार डालेगा, और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। मनुष्य और पशुओं में मुख्य अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है।
छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो। अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। साधारण मनुष्य अपने विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसीलिए वह निरंतर भारी भूले करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। छोटे दिल वालों से तुम किस काम की आशा रखते हो? उनसे संसार में कुछ नहीं होगा। समुद्र पार करने के लिए लोहे का दिल चाहिए, तब कहीं लंका लांघी जा सकती है। वज्र के घोड़े जैसा बनना होगा जिससे कि पहाड़ पर्वत भेदा जा सके। शुभ और अशुभ विचार प्रत्येक की ही प्रबल शक्ति है और वे जगतव्यापी है, स्पंदन बना रहता है, इसलिए कार्य रूप में परिणत होते तक विचार के रूप में बना रहता है। दृष्टांत के तौर पर मनुष्य की भुजा में शक्ति तब तक अव्यक्त रहती है जब तक वह कोई प्रहार नहीं करता। प्रहार करने पर वह शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणत करता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्मल बना लें और अशुभ विचारों का निमित्त बना लें तो ये हम में प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। हमें दिखेगा कि मानव जाति के इतिहास में विश्व के कल्याण के लिए जो अवतार हुए हैं उनका जीवन व्रत प्रारंभ से ही निश्चित रहा है। अपने जीवन का सारा नक्शा, सारी योजना उनकी आँखों के सामने थी और उनसे वे एक इंच भर भी न डिगे। इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन में विश्व के लिए एक संदेश लेकर आए थे। जब वे बोलते हैं तो एक एक शब्द सीधे हृदय में प्रवेश करता है, वह बम के समान फूट पड़ता है और सुनने वाले पर अपना असीम प्रभाव जमा लेता है। मेरी वाणी में क्या है? यदि वाणी के पीछे वक्ता ही की प्रचंड शक्ति न हो, तुम किस भाषा में बोलते हो और किस प्रकार अपनी भाषा में शब्द विन्यास करते हो, इससे किसी को क्या मतलब? तुम अच्छी लच्छेदार ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हो या व्याकरण सम्बद्ध भाषा बोलते हो, अथवा तुम्हारी भाषा अहंकार पूर्ण है या नहीं, इससे भी किसी का क्या प्रयोजन? प्रश्न तो यह है, तुम्हारे पास लोगों को देने के लिए कुछ है या नहीं? यहाँ केवल कहानी किससे सुनने की बात नहीं है, बात है देने और लेने की। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? यही पहला और मुख्य प्रश्न है। यदि है तो दो, कुछ भी करो, अपना पूरा मन जी और प्राण इसमें लगा दो। मेरी एक बार एक सन्यासी से भेंट हुई थी, बड़े संयमी सन्यासी थे। वे अपने भोजन बनाने के पीतल के बर्तन ऐसे चमकाते थे कि सोने जैसे दमकने लगते थे और यह कार्य वे उतनी ही सावधानी एवं तन्मयता से करते थे जैसे अपना पूजन और जप ध्यान।